सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। पंजाब दे लोकां दे लई आखिर वह समा आ गया जदों कि वह नवीं सरकार चुणन दे लई वोटां पाउणगे। भारतीय चोण कमिशन दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब दे विच चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कर दिता गया। उस तों बाद पोलीटिकल पार्टियां दे वल्लों आपो अपने दावे ठोके जा रहे ने। पोलीटिकल पार्टियां की दावे कर रहियां ने वो तुहानू बाद च दसांगे, पर पहलां तुहानू मोटी मोटी जानकारी चोणां दीआं तरीकां बारे दे दिंदे आ। भारतीय चोण कमिशन दे वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दिल्ली दे विच कीती गई, जिस दे विच जानकारी दित्ती गई कि देश दे विच पंज सूबे जिन्हां दे विच हुण चोणां होणियां ने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा अते मणिपुर दे विच विधानसभा चोणां दा ऐलान कीता जांदा है। पंजाब दे विच दूजे गेड दे विच 14 फरवरी नूं वोटां पैणगियां, जदके पहला गेड 10 फरवरी तों शुरू होवेगा, जिस दे विच उत्तर प्रदेश दे विच वोटां पैणगियां। उत्तर प्रदेश दे विच 7 पड़ा दे विच वोटां पैणगियां, इह ऐलान कीता गया है चोण कमिशन दे वल्लों। मणिपुर दे विच 2 गेड दे विच वोटां पैणगियां, जदों के पंजाब, उत्तराखंड ते गोवा दे विच एक एक पड़ा दे विच ही सारियां वोटां पै जाणगियां। भाव पंजाब दे विच हुण जो 14 फरवरी नूं वोटां पैणियां ने 117 दियां 117 सीटां ते इक्को दिन ही वोटां पै जाणियां ने। इस तों इलावा चोण कमिशन ने करोना नूं वेखदिआं पोलीटिकल पार्टियां नूं कई हदायतां भी जारी कर दित्तियां ने, जिवें कि रोड शो अते पैदल मार्च रोक दिता गया है चोण कमिशन दे वल्लों। डोर टू डोर प्रचार जिहड़ा हुंदा है, जिस दे विच घरां दे विच जा के लीडर वोटां मंगदे ने, उस दे विच सिर्फ 5 जणे ही इह चोण प्रचार कर सकणगे। वोटां पाउण दा समां वी 1 घंटा वधा दिता गया है, क्योंकि करोना है, चोणां दी रफ्तार जिहड़ी है उह ढिल्ली हो सकदी है, इस करके 1 घंटा समां वधा दिता गया है। चोण कमिशन ने यह भी अपील की है कि डिजिटल तरीके नाल ही चोण प्रचार पोलीटिकल पार्टियां नू करना चाहिए है। पंजाब दे विच 117, उत्तर प्रदेश दे विच 403 सीटां, उत्तराखंड दे विच 70 सीटां, मणिपुर दे विच 60, गोवा दे विच 40 विधानसभा सीटां दे लई वोटां पैणियां ने। टोटल जेकर तुहानू दसीए तां 690 विधानसभा हलकियां दे विच वोटां पैणगियां, जिस दे विच 18 करोड़ तों वध लोक वोट पाउणगे। भारत दे मुख चोण अधिकारी सतीश चंद्रा दे वल्लों इह सारी जानकारी दित्ती गई है अते कहिंदे ने कि इस वार करोना नूं वेखदिआं पोलिंग स्टेशन भी वधा दित्ते गए ने, अते इस दे नाल ही जदों ही इह चोणां दा ऐलान कीता गया उस वेले तों ही इन्हां पंजां सूबिआं दे विच चोण जाबता लागू मन्निआ जाणा चाहीदा ए। नतीजे आउणे ने 10 मार्च नूं, पंजाब दे विच वोटां पैणियां ने 14 फरवरी नूं, दूजे पड़ा दे विच वोटां पंजाब दे विच पै जाणगीआं। 14 फरवरी नूं वोटां पा के फिर 10 मार्च तक दा इंतजार पंजाब दे लोकां नूं करना पवेगा। बहुत लम्मा समां है, लगभग 1 महीना है, पर इसे तरह ही हुंदा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश दे विच सीटां बहुत ज़्यादा ने, 403 सीटां, अते उत्थे जदों वोटां पैंदियां ने काफ़ी पड़ावां दे विच पैंदियां ने, इस वार जिवें 7 पड़ावां दे विच वोटां पैणियां ने, इस करके यूपी नूं उडीकणा पैंदा है कि उत्तर प्रदेश दे विच वोटां सारियां पै लैण, क्योंकि भावें वोटां वख-वख तरीके नाल पैंदियां ने पर रिजल्ट नतीजे इक्को दिन ही पंजां सूबिआं दे आ जांदे ने, अते उह दिन है इस वार 10 मार्च, जदों पता लगेगा कि इन्हां पंजां सूबिआं दे विच आखिर किस दी नवीं सरकार बनन जा रही है, अते पंजाब दी किस्मत दा फैसला भी 10 मार्च नूं सामणे आ जाएगा कि 14 फरवरी नूं पंजाब दे लोक वोटां पा के किस नूं अपनी नवीं सरकार वजों देख रहे ने, यह 10 मार्च नूं पता लग जाएगा। ज्यों ही चोण कमिशन दे वल्लों चोण तरीकां दा ऐलान कीता गया, पंजाब दीआं सियासी पार्टियां दे वल्लों वड्डे वड्डे दावे कीते जाण लग पए ने। आम आदमी पार्टी कहिंदी है कि पंजाब दे विच तां आवाज़ ही इक्को है, हुण इक मौका केजरीवाल नूं की कहना है चोणां दा ऐलान होण तों बाद राघव चड्ढा दा। सब तों पहलां तुहानूं उहनां दा बयान ही सुणा दिंदे आ। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की डेट्स आ रही हैं और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है आने वाले इलेक्शंस के लिए। आम आदमी पार्टी चुनाव की इन डेट्स का स्वागत करती है और पूरी तरीके से मजबूती के साथ आने वाले समय में इन इलेक्शंस को लड़ेगी, और मुझे पूरा विश्वास है
कि 14 फरवरी को होने वाला चुनाव पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सफल रहेगा, और खासकर पंजाब में जहां पर हर सर्वे यह दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लोगों की जुबान पे बस एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका केजरीवाल नू की बात है। पंजाब के लोग एक आवाज में, एक स्वर में इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। बदलाव की लहर पूरे पंजाब में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा, और आम आदमी पार्टी को एक बार पंजाब में पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका देगा। बिल्कुल आम आदमी पार्टी वांग ही दावा श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों भी ठोक दिता गया है। अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा कहते हैं कि पंजाब दे लोक इंतजार कर रहे सन कि कदों चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान होवे अते असी कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी तो बदला लईए, उन्हां नूं सबक सिखाईए। दलजीत सिंह चीमा दावा करते हैं कि चोणां तो बाद पंजाब दे विच अकाली दल की सरकार बननी है अते पंजाब दे विच विकास की रफ्तार एक बार फिर तो वध जाएगी। किवें बड़े कॉन्फिडेंस दे नाल आत्म विश्वास दे नाल दावा किया है डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने, तुहानूं उह वी सुणा दिंदे आ। बहुत खुशी है कि भारत दे चोण कमिशन ने पंज राज्यां दीआं चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कीता, और पंजाब दे विच 14 फरवरी नूं वोटा पैन दा समां मिलिया। मैं भारत दे चोण कमिशन दा धन्नवाद भी करदा और महसूस करदा कि पंजाब दे लोकां वास्ते ओह दिन 14 फरवरी आ गया जिहड़ा कि लंबे समय तो एक एक दिन लगातार करके पंजाब दे लोकी उड़ीक कर रहे सी कि इह दिन आवे ते कांग्रेस सरकार तों वी ते आम आदमी पार्टी तों वी हिसाब किताब लिया जा सके। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ हमेशा ही पंजाब की जनता की सेवा के हाजिर है, और जनता के सहयोग के नाल एक स्टेबल ते लोकां दी सरकार बना के फिर पंजाब दे विच जो अमन शांति सी, जो विकास सी, जो सद्भावना सी, जो सांझीवालता का माहौल सी उन्हें फिर स्थापित करेगा। सारे नूं बहुत बहुत वधाई। इस तरह वख-वख सियासी पार्टियां दे वल्लों चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान होण तों बाद दावा कीता जा रहा है कि पंजाब दे लोक सानू चाहुंदे ने, सानू वोटां पाउणगे, अते हुण जदों चोण प्रचार बड़े जबरदस्त तरीके नाल शुरू हो जाणा है उदों एक लहर शायद बन जावे, क्योंकि शायद ये पंजाब दीआं पहलियां चोणां होणगीआं जिन्हां दे विच किसे भी पार्टी की लहर सामने वेखण नूं नहीं मिल रही है। 2017 दीआं विधानसभा चोणां तों पहलां आम आदमी पार्टी की लहर बन गई, हालांकि जित कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की सी, आम आदमी पार्टी के भी विधायक ही जित सके सन, पर इस बार तक किसी भी पार्टी की कोई भी लहर नजर नहीं आती है। कोरोना नूं वेखदिआं चोण कमिशन दे वल्लों कई तरह दीआं पाबंदियां भी ला दित्तियां गईआं ने। चोण कमिशन तां इह वी कहिंदा है कि इस बार असीं चोणां दे विच पोलिटिकल पार्टियां नूं लोकां नूं लालच देण लई पैसे भी नहीं वंडन देंगे, चीज़ां भी नहीं वंडन देंगे अते शराब भी नहीं वंडन देंगे, पर जमीनी पद्धर ते ये हदायतां, ये जो हुक्म, ये जो दावा चोण कमिशन दे वल्लों कीता गया है कि असीं सारा कुछ नहीं होण देंगे, वो जमीनी पद्धर ते लागू हुंदा है जां फिर नहीं, ये तां बाद दे विच ही पता लगेगा। पर चोणां दीआं तरीकां दे ऐलान ने पंजाब दा सियासी माहौल जरूर भखा के रख दिता है। वख-वख सियासी पार्टियां दे वल्लों अपने उम्मीदवारां दा ऐलान भी कीता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अजे तक एक भी उम्मीदवार नहीं ऐलानिया, आम आदमी पार्टी 100 तों वध उम्मीदवार ऐलान चुकी है, अकाली दल ने भी लगभग अपने सारे ही उम्मीदवार लोगों के सामने रख दिते ने। इस तरह हुण ज्यों ज्यों वोटां दा दिन नेड़े आवेगा त्यों त्यों पंजाब दा सियासी पारा होर भी वधेगा। एक सवाल इत्थे तुहाडे कोलों पुछ लैणा चाहुंदे आ कि तुहानूं की लगदा है कि जेकर इस वेले पंजाब दे विच किसी भी सियासी पार्टी की लहर नहीं है फिर भी किस पार्टी का ज़्यादा दबदबा तुहानूं इस वेले लग रहा है कि वोटर जिस ते यकीन कर सकदे ने, किस दी लहर बन सकती है जी तुहानूं लगता है कि हाँ इस पार्टी की लहर बन सकती है? जो भी तुहानूं लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इस तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल देखते रहना चाहते हो तो यूट्यूब तां पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर यह खबर तुसीं फेसबुक ते देख रहे हो तो फेसबुक ते द पंजाब टीवी का पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर का सच।